किशोर बोले नासिक से, हम लोग को मालूम पड़ा कि जो बच्चों को है और जिसको कम सुनाई देता है या जिसको सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है विदाउट मशीन वगैरह, विदाउट ऑपरेशन एक मिलता है ट्रीटमेंट मिलता है और दो टू टू थ्री आवर्स सेटिंग के बाद वो पूरा ये हो जाता है ऐसा सुना था। लेकिन उस पर बिलीव नहीं था, लेकिन जो दो तीन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव को मिलने के बाद में और यहाँ पे आने के बाद इस पर खुद पे जो जब सेटिंग किया तो सही में एकदम चमत्कारी लग गया है। अभी हम लोग ने पाँच से चार से पाँच हॉस्पिटल में देखा है, क्या भी बोलता है कि बाबा इसमें एक कान में मशीन लगाओ, दूसरा बोलते दो कान में लगाओ, मतलब इतना कंफ्यूजन था। हम लोग ने कम से कम अभी सिक्स वाला ये रहेगा हम लोग का खुद का, और अब क्या था बच्चे छोटे हैं इसलिए हम लोग उसको इग्नोर नहीं करना चाहते थे। और ये दो तीन केस ऐसा सुना मैंने कि अचानक का उसका हियरिंग कैपेसिटी जीरो हो गया, तो हम लोग को लगता है कि भाई इसका तो 20-30% ही कम हो गया तो हम टेंशन में आ गए। जो लड़का जो लोग का ऐसा पूरा ही हो जाता है वो बच्चे तो नहीं बोलते सीधा स्कूल में जाने के लिए, ये 9 साल के और बिना लिपसिंग मतलब अपने तरफ लिपसिंग किए बगैर बात पहले लिप को पढ़ती थी वो, अभी मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलूँगा 100% से आउट ऑफ 100% से 110% देना चाहिए। लोगों को पता नहीं है लोगों को, जैसे अभी हमें पता चला तो हमने मशीन भी नहीं ली, पूरा आपके ऊपर मतलब लिफ्ट रख के यहाँ पे आए। और हम लोग ने जो अभी 3-4 घंटे यहाँ पे बिताए वो स्टार्टिंग से अभी तक हम लोग ने 7-8 पेशेंट मिल जाते, जब भी वो पहले थे और बाद में तभी हम लोग के सामने थे, तो वो जो रिजल्ट है ना और उनके जो स्माइलिंग आ रहे थे वो मतलब आँख में आंसू और मुँह पे स्माइलिंग, ये बहुत बढ़िया ये अच्छा था। और एक तो मिला तो 15 साल से जिसको सुनाई नहीं दे रहा था उसको सुनाई दे रहा था, बहुत बढ़िया। सतीश राजस्थान से जालौर जिले से बड़गांव गांव से, लड़के के नहीं सुनता इसीलिए उसके इलाज के लिए 3.5 साल का। हाँ मैंने इसके लिए राजकोट में बताया था, मेरा टेस्ट करवाया था, डॉक्टर ने बोला था ये मेरा जन्म से ही है, मैंने यूट्यूब पे देखा सर, ठीक है वो कम सुनाई देता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है और बहरेपन के लिए थोड़ा थोड़ा अभी हमने इलाज किया है उसके, मैं रिजल्ट दिखेगा धीरे धीरे से हम इन्हें दवाई देंगे।